अलैकुम खवातीनों हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है और मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो फिर बनाते हैं व्लॉग दोबारा, लेकिन सुबह सुबह मैंने बोला आपको सबसे पहले जो है ये वाली अपडेट दे दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई है और मौसम बहुत बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। और नाश्ता वाश्ता हो गया भाई, तो अभी दुकान पे जाने का टाइम है और अभी मैं घर पे हूँ। आपको दिखाता हूँ दुकान हमारी कितनी दूर है, तो विज़िट करते हैं दुकान पे। आज का टॉपिक पता नहीं क्या होने वाला है, जैसे जैसे दिन गुजरेगा इसी तरीके से टॉपिक का पता चलेगा। तो लेट्स सी आज का दिन कैसा गुजरता है। तो भाई ये है हमारे घर का दरवाज़ा, एक डोर ये है एक डोर वो है। नॉर्मली हम ज़्यादातर ये वाला डोर यूज़ करते हैं। ये बाहर जाने का रास्ता और ये रही दुकान, और बीच में हमारे बाइक वाले भाई बहुत ज़्यादा शोर करके चले गए। तो भाई ये मेरी दुकान है, तो किसी को अर्बन सेटअप की अगर कोई डेफिनेशन चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट आई थिंक डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेटअप, कि घर से निकला और सामने दुकान पर चला गया। कितनी दूर आना यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दूर जाने के लिए। तो खैर कबूतर हमारे वहाँ बैठे हैं, बाकी बातें दुकान पर जाके करते हैं। तो भाई वेलकम टू द शॉप, और शॉप में अभी बैठे हैं, अभी खुली है, सफाई वगैरह कर दी आपके भाई ने, जो कि सबसे पहला काम है। तो अब थोड़ा सी दुकान की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मेरा मतलब है थोड़ा सा सफाई जो करनी है वो कर लेते हैं। सफाई से मुराद मेरी वो वाली सफाई नहीं, वो तो मैं पहले कर चुका हूँ, झाड़ू वाली, ऊपर वाली थैलियाँ जो यहाँ पर आगे पीछे थैलियाँ आपको नज़र आ रही हैं उनकी थोड़ी सी सफाई करनी है। पहले वो सफाई करते हैं और फिर कुछ चीज़ें लर्न करनी है मैंने, कुछ बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं उनको देखना है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जब यहाँ पर बैठे होते हैं और आपके पास कोई निकम्मे होते हैं, बेसिकली आप जब आपके पास कोई आने वाला नहीं होता, आप निकम्मे होते हैं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये होती है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस वक्त आपका भाई बिल्कुल निकम्मा है, अभी तक कोई बंदा शॉप पे नहीं आया है, और देखते हैं अगर कोई शॉप पे आ जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले तब तक हम कर लेते हैं थोड़ा सा लर्निंग का काम। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिस तरह कैपकट है, VN है, डेविंची रिजॉल्व है, दीज आर द सॉफ्टवेयर फॉर द वीडियो एडिटिंग थिंग्स, एंड आई स्टार्टेड ऑन डेविंची रिजॉल्व एक्चुअली। और उसमें आपने पिछले वाले ब्लॉग के अंदर देखा होगा, आपको कुछ चीज़ें बड़ी अनकंफर्टेबल से लग रही होंगी उस ब्लॉग के अंदर, क्योंकि उसमें शायद एक कोई ऐसा फ्रेम था जिसके अंदर मैंने कलर्स ग्रेडिंग के साथ प्ले करना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके साथ अच्छा प्ले नहीं कर पाया बेसिकली। तो उसमें आपको काफ़ी कलर ग्रेडिंग एक फ्रेम के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, उसके लिए हम पेश की माजरत करते हैं आपसे, और उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियो के अंदर बेहतरी नज़र आएगी। तो काम स्टार्ट करते हैं पहले और फिर थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। तो चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं। शॉप पे आते साथ ही सबसे पहली बैड न्यूज़ तो यह है कि मेरा कबूतर एक और जो है वो बिल्ली लेके चली गई। पता नहीं इस बिल्ली को क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इसका इलाज, समझ नहीं आ रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जब मैंने दुकान खोली तो हमारे कुछ कस्टमर्स जो हैं वो ऑलरेडी रस्ते में ही थे, आ चुके थे उसके बाद, और उसके बाद अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो गई। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अनपैक करनी पड़ी हैं और काफ़ी चीज़ें वो बाहर निकाली हैं, तो उसको ज़रा अभी पैक करना है। तो पहले ज़रा उसकी पैकिंग कर लेते हैं उसके बाद। भाई पैकिंग डन हो गई है और उसके बाद जो है अभी हमने कुछ कलेक्शन है जिसका तस्वीरें लेनी है, जिसकी बेसिकली न्यू कलेक्शन जो आई थी उसके मैंने तस्वीरें प्रॉपर नहीं ली थी,
लेकिन वो यहाँ पर नहीं लेनी, वो घर पे जाके लेनी है तस्वीरें, क्योंकि वो जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर अगर लूँगा तो आप देख सकते हैं दुकान के अंदर रोशनी है बट इतनी अच्छी रोशनी नहीं है कि प्रॉपर चीज़ें क्लियर आएँ, तो उनकी तस्वीरें जो हैं वो घर पे जाके लेते हैं। तो मैं यहाँ से पहले कलेक्शन पिक करता हूँ और फिर घर पे लेके जाता हूँ और वहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ कि कलेक्शन बेसिकली है क्या। वैसे उसके कुछ पीसेस हैं, पीसेस 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 या पीसेस ये जो भी है, खैर कुछ आर्टिकल हैं जो शायद मैं आपको पहले एक दफ़ा दिखा चुका हूँ, रिव्यू करवा चुका हूँ। एक पीस ये है और दूसरा पीस जो है वो बेसिकली ये है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी इस टाइम पे मोबाइल पे सही सही पता शायद ना चल रहा और लाइट गई हुई है, जैसा कि होता है। तो खैर लाइट नहीं है इस वजह से यहाँ पर अभी उसकी पिक्चर्स हम नहीं ले सकते, तो घर पे लेके जा के आपको उनकी प्रॉपर पिक्चर्स दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो भाई इट्स टाइम फॉर फ़ोटोशूट, क्योंकि जितनी भी नई कलेक्शन आई थी उसकी हमने फ़ोटोशूट नहीं की थी और स्टेटस पे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब लगा रहे थे लेकिन नई कलेक्शन जो आई थी उसका फ़ोटोशूट करके स्टेटस के ऊपर हमने अभी तक नहीं लगाया था। तो ये भी जितनी भी कलेक्शन आप देख रहे हैं इन सब का भी जो है और मज़ीद आ रही है दुकान से, मैं अभी घर पर ले आया हूँ सारी चीज़ें ताकि आराम से सुकून से सस्ते वाले मोबाइल के साथ फ़ोटोशूट किया जाए और आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर उन सारी चीज़ों के ऊपर दिखाया जाए। खैर इतना भी सस्ता मोबाइल नहीं है, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और कपड़े की क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशूट। जब आपकी महफिल में भी बुज़ुर्ग आ जाएँ तो आपको सारे काम बंद कर देने चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे या मोबाइल हो, तो उनको टाइम देना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग लाइक, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए क्योंकि आजकल की जनरेशन शायद इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। तो ये हमारे बुज़ुर्ग थे और डोंट यूज़ एनी मोबाइल, डोंट यूज़ एनी गैजेट इफ़ समवन आपकी महफिल में कोई भी आके अगर बैठा। ज़्यादा इंग्लिश इसलिए नहीं बोल रहा, फिर कमेंट्स आएंगे भाई कि बस बस, तो इसलिए ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा, लेकिन सबक याद रखिए ठीक है। तो भाई आज आपके भाई ने पूरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी की और 3 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम किया जो थोड़े बहुत मुझे आते थे, लेकिन मज़ीद उसमें जो है इम्प्रूवमेंट की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। और उसके अलावा एक कबूतर का दुख भी है जो कि जा चुका है और काफ़ी पुराना और लकी कबूतर था यार, आई डोंट नो बिल्ली लेके गई है या वैसे ही उठ गया है, कुछ पता नहीं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आई डोंट नो पसंद आएगा कि नहीं। खैर एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि आप लोगों से कि भाई मेरी हर वीडियोस के ऊपर तकरीबन 100, 150, 200
जो शुरू की वीडियोस हैं डेफिनेटली उसके ऊपर तो होना ही था कि मैंने पहली वीडियो बनाना शुरू की, सो द न्यूज़ स्प्रेड, जो जानने वाले हैं उन्होंने वीडियोस देखी. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानते हैं और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. थैंक यू सो मच. इट जस्ट अ सिंपल एंड काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जितने भी लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे होता है रेड कलर का, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, और अगर साथ आप देखें तो उसके ऊपर एक छोटा सा बेल का बटन भी होता है, तो अगर आप बेल का बटन दबा दें और उसके ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आता है और रेड बटन को दबाने के बाद ही बेल का बटन आपको नज़र आएगा. तो ये भी एक ट्यूटोरियल है, बेसिकली ये ट्यूटोरियल आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस ट्यूटोरियल से वाकिफ़ नहीं है. तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो देखने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए मजीद बेहतर कंटेंट बना सकूं बेसिकली. बट आई लाइक इट व्हाट आई एम डूइंग, आई रियली लव इट बिकॉज टू शेयर माय डेली स्टोरी कि आज क्या हुआ, कैसे दिन बेहतर हुआ, उन लोगों के लिए भी शायद ये हेल्पफुल है जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि अभी हमने कुछ ना कुछ करना है. तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी. आई डोंट नो होगी नहीं होगी, बट बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार अभी काम करना है, अभी कुछ ना कुछ शुरू करना है. तो भाई आई सजेस्ट यू कि आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो एक छोटा सा ही इंस्टॉल ही क्यों आप ना लगा, मतलब छोटा सा इंस्टॉल ही अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो सोचें मत, देर मत करें, अभी स्टार्ट कर लें क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बेनिफिट देगी. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने लगाया है तो उसके साथ आपने उसको 100% देना है, आपने उस वहाँ पर टाइम देना है एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट्स वेरी सून इंशाल्लाह. तो भाई थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर भी मेरा पसंद आया होगा. बट दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज नॉट अ लेक्चर. आई रियली नो सम गाइस हु थिंक टू स्टार्ट वेरी सून एंड आई सजेस्ट देम टू स्टार्ट राइट नाउ. डोंट थिंक अबाउट टू स्टार्ट आफ्टर वन ईयर और टू ईयर, सो जस्ट स्टार्ट नाउ एंड मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर. अभी अपनी वीडियो पहले वाली देखी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, उसमें तो पीछे से बेसिकली आवाज़ आ रही थी, तो बेसिकली पीछे से कॉल आ रही थी, तो इस वजह से आपको उसमें नॉइस सुनने को मिली होगी, लेकिन खैर उसके लिए माजरत. बस ये बताना था आप लोगों को. अल्लाह हाफ़िज़.